तरह से फील कर रहे हैं, लग रहा है कि एकदम आग जैसा बस। दो घंटा बिफोर ही स्कूल से आ जा रहे हैं बच्चे लोग, पठन पाठन बाधित हो रहा है। गर्मी से परेशानी बढ़ रही है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफील रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशफील लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दें कि बिहार समेत राजधानी पटना का पारा काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। बता दें कि अप्रैल के महीने में गर्मी का प्रकोप कहर जो है वो जारी है। बता दें कि बिहार के कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। बात अगर गया जिले की करें तो गया में गर्मी 42-43 डिग्री के पार है। साथ ही साथ राजधानी पटना में की जो गर्मी है वो भी काफी ज्यादा पड़ रही है। ऐसे में लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि पटना मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, साथ ही साथ लू का अलर्ट भी पटना मौसम विभाग ने जारी किया है। इसको लेकर पटना मौसम विभाग ने लोगों से अपील भी की है कि जरूरत होने पर तभी घर से बाहर निकले, जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। बता दें कि अप्रैल का महीना चल रहा है और इस अप्रैल के महीने में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। ऐसे में गया की रिपोर्ट हमारे पास है, क्या कुछ कह रहे हैं गर्मी को लेकर वहां के लोग, वो सुने आप लोग। इस तरह से फील कर रहे हैं, लग रहा है कि एकदम आग जैसा बस। दो घंटा बिफोर ही स्कूल से आ जा रहे हैं बच्चे लोग, पठन पाठन बाधित हो रहा है। गर्मी से परेशानी बढ़ रही है। इस तरह से फील कर रहे हैं, लग रहा है कि एकदम आग जैसा बस। क्या क्या दिक्कत पड़ रही है? पानी की समस्या पड़ रही है, बिजली का जो है रख रखाव सही से नहीं हो पा रहा है, ड्रिप कर जा रहा है लाइन, हम लोग को दिखते आ रही है, और आवागमन उस पर भारी हो रहा है। सभी लोग अस्त व्यस्त हैं, गर्मी से परेशानी बढ़ रही है। बच्चों की क्या दिक्कत? बच्चों को स्कूल जाने में प्रॉब्लम बढ़ रहा है, आने जाने के समय तो नहीं लेकिन आने के समय प्रॉब्लम बढ़ रहा है। दो घंटा बिफोर ही स्कूल से आ जा रहे हैं बच्चे लोग, पठन पाठन बाधित हो रहा है। हम लोग त्रस्त हो रहे हैं इस तरह से गर्मी। तो गया में तो सबसे ज़्यादा गर्मी है, गया में तो जैकोबा वाक की तरह गर्मी है। बिहार प्रदेश का सबसे बड़ा गर्म स्थान है गया, और हम लोग वहीं पर रहते हैं, इस चीज़ को हम लोग भली भांति जानते हैं। जिला प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है? प्रशासन की ओर से तो अभी वैसा कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हम लोग तो दो चार दिन से तो पड़ रहा है गर्मी, लेकिन वैसा कोई व्यवस्था नहीं की है, कोई मैनेजमेंट नहीं है कहीं। हम लोग तो देख रहे हैं इस चीज़ को। परिचय बताइए। परिचय, मेरा नाम जुगल किशोर पांडे हुआ। मैं बताइए कितना गर्मी है, क्या पर बहुत ज़्यादा विशेष पड़ रहा है, खेती का गन्ना का रस ये सब राहत मिल रहा है इससे। कितना डिग्री सेल्सियस हो रहा है? जिला प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है? जिला प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है?
व्यवस्था नहीं आ रहा है। प्याव वगैरह की व्यवस्था, प्याव वगैरह का कभी कोई रास्ते में कहीं नजर नहीं आया। नहीं आया, नहीं आया। गन्ना का जूस वगैरह है जो राहत मिल रहा है। क्या नाम है? नाम है। कितना गर्मी है, क्या परेशानी है? बहुत काफ़ी गर्मी है, बहुत काफ़ी 40 डिग्री तापमान है। अच्छा, बहुत परेशानी है। क्या परेशानी का काम है? परेशानी है, गर्मी है, किसी चीज़ का साधन सुविधा नहीं है, पानी नहीं है। घर से लोग निकल रहे हैं या नहीं? लोग घर से निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे गर्मी से? बहुत कम, अभी हम लोग का काम है तो अर्जेंट में निकलना पड़ रहा है। निकल नहीं रहे जी। प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई, प्याव वगैरह की व्यवस्था की? नज़र के सामने प्रशासन के अंदर कहाँ कोई व्यवस्था है, नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दीनानाथ पासवान। एक सेकंड, क्या 40-40 जरूर होगा, 40-40 होगा। ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी, हम ऐसा पहली बार देखे हैं कि सीजन में इतना गर्मी गिरा इतना, और हम तैयारी के बाद कभी नहीं पीने पड़ रहा है। क्या परेशानी हो रही है गर्मी से? गर्मी में परेशानी हो रही, कहीं निकल नहीं सकते हैं आप। बाजार जाना चाहते हैं, बाजार नहीं मारते। प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था है? प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है, अभी झूठ मूठ तो आपने सुना लोगों ने क्या कहा कि गर्मी का जो कहर है वो काफ़ी ज़्यादा जारी है, लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही साथ बच्चों को स्कूल जाने में भी मुश्किल हो रही है। गया से अभिषेक सिन्हा की रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।